दूसरे प्लेटफॉर्म में राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है, लगता है ये अभी अभी पहुंची है, बस इसी के पीछे पीछे हमारी गाड़ी जो है दौड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल ग्लोबल आरडी। ग्लोबल आरडी चैनल में आपका सबका स्वागत है। यार भाई, बाहर बहुत घूम लिया, अब इंडिया के अंदर घूमना है। युगांडा से निकलने के 7 दिन पहले मैंने ये प्रोग्राम बनाया और आज का प्रोग्राम रहेगा राजस्थान सफ़र। तो आज हम शियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस में सफ़र करेंगे। गाड़ी का नाम है दुरंतो 12259। शियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस में आज सफ़र करेंगे और मेरी ये जो आदत है ना, कभी छूटेगी नहीं, वही है। 15 मिनट पहले ही पहुँचा, सिर्फ अभी 10 ही मिनट बचा हुआ है और अभी मुझे अपना कमरा ढूंढना है। मैंने 7 दिन पहले इसकी बुकिंग करी और उस समय मेरी बुकिंग जो स्थिति थी RAC 4 था और आज कंफर्मेशन आ गया A135। तो चलो अंदर चलते हैं यार। ट्रेन तो एकदम भरा हुआ है लगता है। मजे की बात यह है, ये जो शियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस जो है वो करीब करीब 1950 किलोमीटर है और हावड़ा से ऐसे 3 रूट है, हावड़ा बीकानेर, हावड़ा मुंबई और हावड़ा पुणे, जो करीब करीब 1950 से लेकर 1980 किलोमीटर का जो सफ़र है, तीनों दुरंतो एक्सप्रेस चलती है और तीनों दुरंतो एक्सप्रेस करीब करीब 26 से 28 घंटे लेती है और ये तीनों ट्रेन में से ये वाला जो ट्रेन है सबसे कम समय में पहुंचती है। बट मुझे लगता नहीं है कि ये ट्रेन टाइम पर कल शाम को 6:20 पे बीकानेर पहुंचने वाली है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये देख हो जाए, क्योंकि हमारा तजुर्बा है हावड़ा पुणे दुरंतो 4.5 घंटा लेट पहुंची थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, ऊपर लिंक बटन में उसका लिंक दे रखा हूँ, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ट्रेन जो है एकदम 5 बजे छोड़ दी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी समय ये 4:30 से लेकर 5 बजे तक 2 राजधानी और 1 दुरंतो एक्सप्रेस जो कोलकाता से नई दिल्ली की तरफ रवाना होती है। एक तो करीब 4:30 बजे हावड़ा नई दिल्ली राजधानी, उसके बाद 4:45 पे शियालदा नई दिल्ली राजधानी और उसके बाद 5 बजे ये शियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस चलती है। मजे की बात है कि नहीं बताओ, आधे घंटे के डिफरेंस में 3 VIP ट्रेन एक ही तरफ राजधानी की तरफ चलती रहती है। शियालदा का ये कार्ड शेड है, उत्तर बंग एक्सप्रेस दिख रहा है। ये आगे कौन सी ट्रेन है भाई? ये धक्का गाड़ी है, भागीरथी एक्सप्रेस शियालदा लालगोला। अच्छा, अभी भागीरथी एक्सप्रेस में 3 AC चेयर कर लगा दी है, बहुत बढ़िया यार। मैं 2005 से 2007 तक बहरामपुर में रहता था और उस समय सिर्फ एक ही AC कोच लगती थी। देखो यार, इंडियन रेलवे कैसे तरक्की कर रही है, अब एक नहीं, दो नहीं, 3 AC चेयर कार लगा दी है भागीरथी एक्सप्रेस में। बहुत साल हो गए लोकल ट्रेन में नहीं चढ़े हैं।
भाई ट्रेन छूटने के 50 मिनट बाद स्नैक्स दे दिया, पता नहीं ये क्या है, ये कुछ मीठी चीज़ होगी, ये तो एक पक्का कचौरी होगा, रोस्टेड पता नहीं क्यों एक ही फ्लस्क दिया है और हमें वो जो फ्लस्क है हमारे को पैसेंजर के साथ शेयर करना पड़ेगा। भैया रेलवे वाले ने तरक्की कर दी, अभी ये जो टीटी आए हैं आपने देखे होंगे इनके हाथ में टैबलेट था, मतलब वो पहले जमाने का जो रिजर्वेशन चार्ट हुआ करता था वो अब नहीं रहा। हालांकि ये जो है अब ये थोड़ा सा वीआईपी ट्रेन है, हो सकता है किसी ट्रेन में या राजधानी में या तेजस में ऐसी मिलेगी देखने को। अगले 10 दिन में तो कम से कम और 4-5 मरतबा मैं ट्रेन में तो सफ़र करूंगा ही करूंगा। देखते हैं अगले वाले सफ़र में टीटी के हाथ में ऐसा टैबलेट होता है। हम लोग अभी वर्धमान क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी यहाँ पे रुकने वाली है नहीं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, शियालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस शियालदा से दिल्ली तक सिर्फ बीच में 3 स्टेशन में रुकती है। पहला स्टेशन जो है जो करीब करीब 9 बजे के आसपास पहुंचने वाली है धनबाद, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद कानपुर, फिर दिल्ली। आसानसोल क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी तो यहाँ रुकेगी नहीं। 7:36 पे गाड़ी लगता है 15-20 मिनट लेट चल रही है। रात के 8 बज गए हैं और डिनर सर्व कर दिए हैं, वही किसी भी टी सड़ी हुई खाना दिखाता हूँ आपको। ये दाल होगा, ये कोई सब्जी होगा, ये कोई रोटी वोटी है, चावल है, दही है। देख लो भैया 1, 2, 3, 4, 5 पनीर का टुकड़ा, ये दाल और ये चावल। IRCTC में ना ये जो खाने की जो क्वालिटी है ना ये कभी बदलने वाला है नहीं। अब ये खाना जो है ना आपको खाने की भी इच्छा नहीं होगी और बिना खाने का कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। ऑल्टरनेटिव है आप अगर ऑनलाइन पे बुकिंग करो और धनबाद से आपको खाना सर्व किया जाएगा। भाई ये प्रीमियम ट्रेन है भाई, यहाँ पे जो टिकट का जो किराया है काफ़ी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से मैंने करीब करीब 5,000 रुपया खर्च किया, 4,900 के आसपास ये सेकंड एसी में हावड़ा बीकानेर का सफ़र के लिए। अब 5,000 में थोड़ा ढंग का अगर खाना नहीं खिलाएगा तो कैसे चलेगा बताओ। हाँ लो भाई और तो क्या करोगे। बहुत दिनों बाद में एक बहुत ही घटिया खाना खाया, वो हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस में खाना फिर भी ठीक ठाक था। यहाँ पे मतलब पनीर की सब्जी इतनी तीखी थी, इच्छा होता है IRCTC ऑफिशियल्स को बुला के ना ये खाना परोसना चाहिए, तब जाके उनको समझ में आएगा कि किस लेवल का घटिया खाना इंडियन रेलवे सर्व करता है अपने पैसेंजर्स के लिए। नॉट रिकमेंडेड।
अभी हम लोग धनबाद पहुंचने वाले हैं। बीच में जो 15-20 मिनट का जो लेट गाड़ी जो चल रही थी वो मेकअप हो गया, एकदम टाइम पे धनबाद पहुंचने वाली है। दूसरे प्लेटफॉर्म में राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है, लगता है ये अभी अभी पहुंची है। बस इसी के पीछे पीछे हमारी गाड़ी जो है दौड़ेगी। देख लो भैया, राजधानी में दुरंतों की बोगी लगी हुई है। कॉम्बो है भाई, कॉम्बो डुअल है। मुझे नहीं लगता 10 मिनट से ज़्यादा ये ट्रेन रुकने वाली है, बस अभी अभी आई हुई है। ये है दुरंतो का रियल कोच और ये फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर ममता बैनर्जी का ब्रांडेड हुआ करती थी। घड़ी पे अभी 8:25 बजा हुआ है, ट्रेन टाइम पे पहुंच गई है। राजधानी अभी निकल पड़ी है यहाँ से, मतलब इसी के पीछे पीछे हमारा दुरंतो एक्सप्रेस चलने वाली है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे मैं रखूँगा और मिलूँगा मैं आपसे कल सवेरे। तब तक के लिए गुड नाइट और बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में।